अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अहमद रफ़ीक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी ऑफ साइंस ग्रुप। आज हम देखने जा रहे हैं केमिस्ट्री की स्कीम, पेयरिंग स्कीम, जो कि 2022 के पेपर में आपको जैसे क्वेश्चंस आने हैं, किस किस चैप्टर में से कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, वो सारा कुछ आज डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये आज की वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए जो कि चाहते हैं कि डेढ़ मंथ के अंदर हम अच्छी से अच्छी तैयारी कर लें। तो सबसे पहले आपने MCQs के लिए ना पहले 11 के 11 जो चैप्टर हैं वो सारे के सारे ही करने हैं। MCQs जो हैं वो कहीं से भी बन सकता है, उसके लिए आप कोई सी भी हेल्पिंग बुक यूज़ कर सकते हैं, जैसे आहत केमिस्ट्री वगैरह हो गई या लर्नर, किसी हेल्पिंग बुक से भी आप उसके ना MCQs सारे के सारे कर लें। वैसे आना जो है वो पहले, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे चैप्टर में से और आठवें में से दो दो MCQs हैं, बाकियों में से एक एक हैं, और 17 मार्क्स के ये होंगे, 17 MCQs आएंगे आपको। फिर आगे आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस में हम ऐसे पेयरिंग करेंगे कि हमारे लॉन्ग भी तैयार हो जाए, और जिन चैप्टर से लॉन्ग होने हैं उसी उन्हीं से ही साथ शॉर्ट भी हो जाए। तकरीबन 6 या 7 चैप्टर हम करें तो हमारे 85 मार्क्स का पेपर जो है वो सारे के सारा जो है अटैम्प्ट हो जाए। तो सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 2 में। तो वो एक तो चैप्टर नंबर 1 में से 3 क्वेश्चंस हैं, चैप्टर नंबर 2 में से 3 हैं, फिर तीसरे चैप्टर में से भी 3 और आठवें में से भी 3। अगर तो आपने करना है लॉन्ग 3रा और 10वां पेयर, तो फिर आप कर लें पहले 1, 2 और 3 में से ही शॉर्ट, वो 9 आपके तैयार हो जाएंगे, उसमें से कोई से 8 आप कर लें। अगर आपने करना है आठवें वाला लॉन्ग, तो आठवें का पेयर होगा आपके पास नेक्स्ट, आगे लॉन्ग में शो किया होगा, तो आठवें का पेयर है आपके पास चौथे चैप्टर के साथ, तो फोर्थ वाला और एट्थ वाला होगा एक लॉन्ग। अगर आपने करना है 3रा 10वां लॉन्ग वो पेयर, तो उसमें आप देख सकते हैं कि 3रे में से या 8वें में से, इन दोनों में से किसी एक में से ना आएगा न्यूमेरिकल, तो 3रा के साथ जब पेयर है 10वें का, तो या तो फिर आपको 10वां चैप्टर भी साथ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 3रा अकेला करते हैं उसमें से सिर्फ 3 शॉर्ट के हवाले से, तो आहत केमिस्ट्री से कोई से इंपॉर्टेंट से शॉर्ट जो है देख के वो कर लें, और अगर आठवें चैप्टर में से करना है तो वो कर लें। वैसे आपने जो लॉन्ग तैयार करना होगा ना, उसमें से जो लॉन्ग तैयार करना होगा उस लॉन्ग के हवाले से आपने देखना है कि आपने कौन कौन सा शॉर्ट का पेयर करना है। तो पहला दूसरा तो करना ही पड़ेगा, जो पहला लॉन्ग है वो है 1 का और 5 का पेयर, उसमें जो 1st में से है वो आ जाने क्वेश्चन नंबर 2 में से 3 शॉर्ट, और फिर आ जाने क्वेश्चन नंबर 3 में से। दूसरा जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें से चौथे चैप्टर में से 4 हैं, 5वें में से भी 4 हैं, और 9वें और 11वें में से 2-2 हैं। अगर 9वां 11वां ना भी करें तो आपको 4th और 5वें में से ही 8 के 8 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आपने करना हो एक्स्ट्रा के लिए तो आप 9वां कर सकते हैं या फिर 11वां वैसे काफ़ी लेंथी है, 9वें में से इंपॉर्टेंट जो होंगे वो चंदे कर लीजिएगा, ताकि एक जो है वो एक्स्ट्रा आपका अटैम्प्ट हो जाए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 होगा, क्वेश्चन नंबर 4 में से जो है 6ठा 7वां चैप्टर, ये 2 आपने कर लेने हैं, ये एक तो पेयर भी है लॉन्ग का 6ठे और 7वें का, और शॉर्ट भी इसमें से अटैम्प्ट हो जाने हैं। अब हम देखते हैं कि हमें किन किन चैप्टर को करने से जो है वो लॉन्ग भी हो जाएंगे और शॉर्ट भी सारे हो जाएंगे। अब लॉन्ग पर चलते हैं, तो लॉन्ग में हमारे पास आ जाएगा सबसे पहला क्वेश्चन पहला और पाँचवें का पेयर। अब हमने ऊपर देखा है कि पहले पेयर, पहला जो चैप्टर है उसके अंदर से 3 शॉर्ट आने हैं पहले क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये लॉन्ग भी तैयार हो गया, शॉर्ट भी तैयार हो गया, तो ये तो कन्फर्म हो गया कि पहला चैप्टर भी करेंगे। उसके बाद 7 उसका पेयर है पाँचवें का, पाँचवें चैप्टर में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने थे क्वेश्चन नंबर 3 में, तो इसका मतलब 3 शॉर्ट इसमें से, 4 इसमें से, टोटल 7 शॉर्ट बन गए और एक लॉन्ग बन गया। तो ये हमारे पास 8 और 14 22 मार्क्स का पेपर होगा इन दो चैप्टर्स में से, MCQs निकाल के, MCQs भी कुछ 2-3 मार्क्स के होंगे, तो 22 मार्क्स जो हैं वो इन दो चैप्टर से अटैम्प्ट हो गए। फिर आ गया इसके बाद ना, देखते हैं हम 6ठा और 7वां। वैसे 3रे और 10वें का पेयर जो है वो आप कर भी सकते हैं, लेकिन सजेशन मेरी ये है कि आप 6ठा और 7वां, पहला और पाँचवा, और साथ 9वां और 10वां कर लें, क्योंकि न्यूमेरिकल जो होता है न्यूमेरिकल वो कहीं से भी दे सकते हैं, एक्सरसाइज से भी दे सकते हैं, तो वो करना ज़रा आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। अब आपने करना है 6ठा और 7वां पेयर, 6ठे में से जो है वो 7वें में से, ये आपका आखिरी शॉर्ट का जो पूरा पेयर है वो अटैम्प्ट हो जाएगा और लॉन्ग भी तैयार हो जाएगा। तो 4 चैप्टर कन्फर्म हो गए, पहला, 5वां, 6ठा और 7वां। फिर आगे आपने करना है कोई सा भी जो लॉन्ग का पेयर करना हो, अगर 3रा और 10वां करना हो तो वो भी ठीक है, आपके 3रे में से भी 3 जो है वो पहले में से हो जाने हैं, दूसरा चैप्टर तो आपने करना ही है ना शॉर्ट के लिए, वो नहीं छोड़ना, 3रा भी हो जाएगा और 10वें में से जो है वो आखिरी में से 2 बन जाएगी। फिर आपका सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 में रह जाएंगे
चार शॉर्ट क्वेश्चंस, उसके लिए आप चैप्टर नंबर 4 जो है वो सिर्फ एज अ शॉर्ट कर सकते हैं। अब आपके जो कंपलसरी चैप्टर्स होंगे वो आखिर पर आपको एक तस्वीर नज़र आ रही होगी, उसमें लिखे होंगे जो 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 चैप्टर अब आपने करने हैं। एक करना है आपने पहला लॉन्ग के लिए, जब जो कुछ जो जो करने हैं, पहला, पाँचवा, छठा, सातवां, तीसरा और दसवां, 6 चैप्टर्स हो गए लॉन्ग के लिए भी, और शॉर्ट भी इन्हीं में से अटैम्प्ट हो जाएंगे। शॉर्ट के लिए एक्स्ट्रा सिर्फ आपको 2 या 3 चैप्टर करने पड़ेंगे, एक दूसरा, एक चौथा चैप्टर शॉर्ट के लिए, और एक आप 9वां चैप्टर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके जो है वो सारा पेपर जो है 85 मार्क्स का अटैम्प्ट हो जाएगा, सिर्फ 6 चैप्टर जो हैं वो अच्छे तरीके से करने से और 2-3 चैप्टर जो हैं वो शॉर्ट के लिए करने से। तो ये साइंटिफिक स्टडी के तरीके से आप कीजिएगा पेपर अटैम्प्ट, इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। बाकी सब्जेक्ट्स की भी पेडिंग स्कीम के ऊपर वीडियोस बनी हैं, वो भी देखें और अपनी सारी बुक्स की तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से करें।